पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुल सचिव द्वारा दी गई सूचना के आधार पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी एवं जनसंपर्क अधिकारी प्रोफेसर अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि परीक्षा की सन्निकटता को देखते हुए और शैक्षिक वातावरण को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में किसी बाहरी व्यक्ति या संगठन के द्वारा किसी प्रकार की गतिविधि या कार्यक्रम बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाता है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर अजय कुमार शुक्ला ने बताया। देखिए, उच्च शिक्षा संस्थान जो होते हैं, खासकर विश्वविद्यालय, वो उसका मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक माहौल को बनाए रखना होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए माननीय कुलपति जी ने जो एक आदेश दिया, जो कुल सचिव के माध्यम से निर्गत किया गया है, कि विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी बाहरी व्यक्ति का या किसी भी संगठन का कोई भी कार्यक्रम बिना सक्षम अधिकारी के, पूर्व अनुमति के बिना नहीं कराया जा सकता है। इसके पीछे मंशा यही है कि हमारे यहाँ का जो शैक्षणिक माहौल है वो बना रहे, और चूंकि परीक्षाएं सन्निकट हैं इसलिए परीक्षार्थियों के ऊपर किसी भी तरीके का विपरीत असर न पड़े। देखिए, इसमें जो आदेश निर्गत हुआ है उसमें यही है कि जैसे बाहरी व्यक्ति या संगठन, अगर शिक्षक हमारे कोई भी कार्य करते हैं यहाँ पर तो एकेडमिक एक्टिविटी होती है, अकादमिक गतिविधियाँ जो कि विश्वविद्यालय संबंधित हैं उससे इसका मतलब नहीं है। बात जो आदेश निकला है वो बाहरी व्यक्ति या बाहरी संगठन का कोई भी कार्य बिना सक्षम अधिकारी के, पूर्व अनुमति के नहीं हो सकेगा।